नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल रियल पूर्ण परमात्मा पर। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गुरमीत राम रहीम जी को 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की पैरोल मिल चुकी है और वो जेल से बाहर रहेंगे। इस पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने बयान दिए, सुनिए क्या कहा। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरो मिलती है, और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरो मिली है वो उसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना, हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है, एक रेगुलर सदा की बात है वो भी है। लेकिन सर, जो फरो मिलती है, फरो मिलने के बाद किस तरीके की पाबंदियाँ रहती है कैदी के ऊपर? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसा होता है कि कहीं जा नहीं सकते, कार्यक्रम को लेकर कुछ ऐसा होता है? देखिए, हमारी तरफ से नहीं, ये जो ऑर्डर आता है उसी को देख के दिया जाता है। हमारा काम है उन्हें बात सौंप देना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन्हें कैसे रखेंगे। जिस तरह के आरोप है, जिस तरह के कैदी है, वो ये सवाल बनता है कि जब उनको जेल में लाया गया था पंचकुला में, जिस तरह की हिंसा हुई थी, आपने कहा कि कानून के हिसाब से बनता है। अब जो तैयारी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सिरसा में जाएंगे और अपने जो उनका डेरा है वहां पर जाएंगे, क्या गारंटी, क्या आश्वासन है कि बिना पूतली वापस आ जाएंगे? देखिए, वो गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव की भी जानकारी आ रही है। देखिए, जब जाते हैं तो सब इंतजाम करके ही ले जाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेके तब जाएगा जब सारे इंतजाम पहले से पुख्ता कर दिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब लेके आए तब भी हम ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सोचने की बात है, हमारे सोचने 0% भी हम डिस्टर्ब नहीं है। सिरसा डेरा जाने की इजाजत है? देखिए, वो जो उस ऑर्डर में है उस हिसाब से देंगे, कहीं भी जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा में कुछ कंडीशंस भी होंगी सर, इस फरलों की कुछ कंडीशंस होंगी जैसे? मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, पर जो मुझे पता है कि यही होता है, स्टेट में कहीं भी ले जाए एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, होम सेक्रेटरी विद नोटिस ऑफ द होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये है सर, कुछ कंडीशंस हैं कि क्या, कितने लोगों से मिल सकते हैं कुछ, या फिर मतलब पुलिस की निगरानी में रहेगी, इस तरह की कोई कंडीशन? मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि आज मॉर्निंग के ऑर्डर आए हैं तो मुझे उसका नहीं पता है। सर, जो गंभीर श्रेणी के अपराधी होते हैं जिनको गंभीर मामलों में सजा होती है, उनको लेकर अमूमन कहा जाता है कि उनको फरलो वगैरह अमूमन कम ही दी जाती है, तो फिर मोर देन 90% केसेस में फरलो मिलती है। अब ऐसा तो उनका मामला होता है, जो देते हैं उन्होंने कैसे देना है कैसे, वो भी सब आपके सामने रख के देते हैं, पर इन्हें अब फरलो मिलकर वो चाहते तो रहा नहीं ना। अब तो ये है कि उन्हें हम जो देने आएंगे उन्हें सौंपेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।